हेलो। तो उतना दिन से हम कहाँ थे? जो वीडियो अभी अपलोड हुआ है, ये सब वीडियो शूट हुआ था मार्च में, और अभी महीना चल रहा है जुलाई। अप्रैल मई जून में कहाँ थे? कहाँ रहेंगे? यहीं थे, यहीं रूम में। यहाँ गए थे तब? कहीं जाने बने तब ना? नहीं, मतलब जाएंगे, मम्मी जाने ही नहीं देती है। उल्टा मेरा बाल झड़ जा रहा है, विटामिन डी नहीं मिल रहा लगता है। बाहर निकलते ही नहीं है, धूप में निकलेंगे तब ना मिलेगा विटामिन डी। 3 महीना सोता हूँ घर में, हड्डी बन जा रहा है, बॉडी उड्डी सब पतलू, ढंग का खाई वो नहीं करते हैं आजकल। मम्मी को बोलते हैं कि कब जाएंगे कब जाएंगे, कह के तो जवाब ही नहीं मिलता है। डैड बोलती है पढ़ो, पढ़ेगा, डिग्री लेने बोलती है। डिग्री लेना ही नहीं, नौकरी करना ही नहीं, डिग्री लेके क्या करेंगे? एजुकेशन जरूरी है, लेकिन डिग्री बोलेगी तो डिग्री कम, डिग्री नहीं होगा डिग्री। मेरा बॉडी तो पूरा एकदम पतला हो गया है, मतलब बॉडी पतला हुआ, पेट में तोंद निकलने जैसा, पेट निकल जा रहा है। आजकल एक्सरसाइज सब कुछ नहीं होता, डायरेक्ट यहीं रूम में रहते हैं, यहीं रूम में बंद 3 महीना से, कहीं गए नहीं है। जाएंगे अभी कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट बोलती है मम्मी पढ़ने जाओ कॉलेज। कॉलेज नहीं जाएंगे हम, आजकल सोते कितना बजे हैं? सुबह में 5-6 बजे मतलब रात में हम सोते ही नहीं हैं, पूरा रात भर जागर रहते हैं। सोते हैं 5-6 बजे, उठते हैं 1 बजे दोपहर में, मतलब 1-12 बजे आसपास उठते हैं। तो मम्मी बोलती है दिन भर सोते सोते रहता है करके, उसको थोड़ी पता हम रात में नहीं सोते। आजकल तो सर दिन ऐसा गुजर रहा है, 3 महीना ऐसा बीत गया पता ही नहीं चल रहा। जुलाई महीना अब आ गया, तो 3 महीना से हम कर का रहे थे रिसर्च कर रहे थे, गाना उना सुन रहे थे, म्यूजिक म्यूजिक मतलब आज म्यूजिक सब सुनते रहते, गाना नहीं, बस म्यूजिक बिना वोकल्स का। और मेरा जो स्टोरी लिख रहे हैं उसी को लिख रहे थे, जगह का जियोग्राफी रिसर्च, कैसा कैसा कहाँ जगह है। तो कभी जाएंगे तब, सब तो घूमने का तो मन है लेकिन जाने नहीं देती है मम्मी। और हाँ, उस दिन क्या हुआ था, मार्च हम वापस आ गए, दीघा जा रहे थे तो हमको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। वहाँ गए तो बेटा वो लोग बोल दिया नक्सली 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 जैसा दिख रहा है करके। बेटा हमको तो मतलब हमको पता था हम नक्सली ऐसा ही, मतलब थोड़ा चोर डाकू टाइप का ही दिखेंगे, पूरे थका के गए थे। तो जूता पप्पा का जो पुलिस वाला जूता है उसी को पहनने गए थे। तो फिर मम्मी शुरू में एक जन था पूछा कहाँ से आ रहा करके, फिर मम्मी को फ़ोन करने बोला, तो मम्मी को फ़ोन किया, फिर मेन वाला जो ऑफिसर था उसके पास ले गया, तो पापा को फ़ोन करवा दिया सर। तो पापा तो हमसे पहले से ही मतलब वो बोल रहा था नहीं जाने के, तो हमको लगा ही था पापा को फ़ोन करवाया मतलब अब हो गया मेरा काम, अब आगे जाने नहीं पाएंगे सर के। बड़ी गुस्सा लगा उस समय। फिर पुलिस वाला मतलब बोल दिया हमको घर आ रहा है, बोल दिया कि इसको वापस घर भेजिए, आगे नहीं जाएगा, वापस घर भेजिए कह के। साला घाट शिला तक पहुंचे उसके बाद में वापस भिजवाया, कितना दुख लगा सर हमको। उगला वीडियो को सीरियसली मत लेना एकदम, मतलब बड़ी गुस्सा था एकदम, कुछ मतलब गाली उली देने का मन कर रहा था लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। मन कर रहा था साला साइकिल उस साइकिल और एक तो मैंने साइकिल। रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहाँ एक तो लेडी थी वहाँ टिकट भी नहीं दे रही है, एक तो पुलिस वाला लोग लेट से भेजा, जल्दी जाएंगे बोल रहे थे। तो भी स्टेशन पहुंचे तो मैं साइकिल, और टाइम भी हो गया था ट्रेन का, तो आधा घंटा पहले टिकट कैसे देगी वो भी। तो फिर बोली नहीं मतलब हम ही चले फिर बस स्टेशन, बस में जाएंगे बोल के। तो बस जगह आए बस स्टेशन में, ढेर देर बाद खोज रहे थे बस स्टेशन, बस वाला को पूछे लीजिएगा कह के। तो बेटा साइकिल को देखा और बोलता ले ही लेंगे, साइकिल नहीं बनेगा साइकिल नहीं बनेगा, ढेर सारा बस का कुछ है सर मेन साइकिल है। बड़ी गुस्सा लगा, ऐसा मन करा साइकिल को हम कोई कबाड़ गड्ढा में फेंक दीजिए। फिर धीरे धीरे करते हाता पहुंच गए, हाता में एक ट्रक वाला मिला, बोले पैसा दे देंगे कह के। ला दिया चाईबासा तक, वहाँ मम्मी गई थी लाने। फिर चाईबासा में मैं मम्मी को देख कर शायद फिर साइकिल उठाया, हम अकेले रहते तो नहीं उठाता हमको लगता है, चोर ऐसा दिखवे कर रहे थे। तो बट गलती किसी का नहीं, गलती तो हमारा ही हमको लगता है, दुनिया को इतना आसान समझ लिए थे, सोचे बट जाएंगे आराम से आ जाएंगे। लेकिन पापा का भी गलती है उसमें,
तो बस वही था, गुस्सा थे हम पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर भी। आदमी लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, साइकिल तो नहीं लेता हमको ये पता था, लेकिन हम ट्रेन वाला भी तो आगे का करना। हमको तो अप्रैल में ही निकलना था इंडिया घूमने के लिए, इंडिया घूमने जाना ही है। मम्मी तो पैसा भी नहीं दे रही है, साइकिल को पापा ले गया गाँव, वही समय ले गया, पापा तो चल भी गया और अपना ड्यूटी। इंडिया घूमने जाएंगे ट्रेन में, साइकिल में जा नहीं सकते हैं, ट्रेन में एक राउंड लगाएंगे सारा पूरा इंडिया का, एक राउंड तो पूरा चक्कर लगाना ही है, उसके बाद कहीं बाहर का सोचेंगे। अभी तो मतलब मेन मम्मी ही जाने कहीं देती है नहीं बेटा, इमोशनल मेंटल टॉर्चर। पूछेंगे कहाँ जाएं, मतलब कब जाएंगे, तो कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं एकदम साइलेंट। फिर अगर जबरदस्ती बुलवाएंगे तो डायरेक्ट बोलेगी कॉलेज, कॉलेज ही नाम आता है। सेड लाइफ, बाल कितना बड़ा हो गया बेटा, बोले थे ना जब तक इंडिया नहीं घूमेंगे तब तक नहीं कटाएंगे, बाप रे। नहीं कटाएंगे जब तक नहीं घूमेंगे। बालों झड़ रहा साला, टकला होना पड़ेगा लग रहा है। 2020 में टकला हुए थे जब लॉकडाउन लगा था, उस समय सोचे थे फिर कभी टकला नहीं होंगे, बेइज्जती लग रहा था उस समय, लेकिन अब लग रहा है फिर से टकला हो जाएगा, यही बालों झड़ रहा है। स्कैल्प थोड़ा विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो कमजोर हो गया लगता है। ये सस्ता वाला हेडफोन खरीदे जब घूमने जाएंगे ट्रेन में, शायद कुछ नहीं पता हमको, 100% भी नहीं बोल सकते कि जाएंगे ही, कहे कि प्रेशर रहता है सब तरफ से प्रेशर। गुस्सा तो मम्मी होती है, दुख भी लगता होगा, लेकिन सुख और दुख दुनिया में तो रहेगा ही, कुछ भी करो। घर में भी रहेंगे तो भी दुख होगा, कितना दिन तक घर में रहेंगे, तब बुढ़ाने तक तो रह नहीं सकते हैं, मेरा सपना का पूरा होगा ये बेटा। इतना गरीबी है, अपना पैसा कमाओ करते हुए भले तो चल जाते हैं आराम से, पर मम्मी से मांगना पड़ता है। सेड लाइफ आजकल बेटा क्या करते हैं पता है, यूट्यूब खोलो, गाना सुनो, मशीन देख, मशीन मतलब डोजर गाड़ी, डोजर जेसीबी खोदता है उसे देखते हैं, मशीन रोड वोड बनाता है वो सब गाड़ी वाड़ी देखते हैं, मजा आता है देखने के लिए। और अथी बाइक सब जो हंग हंग करता है ना, स्पोर्ट्स बाइक सब, कावासाकी निंजा, कमाएंगे तो खरीदेंगे सर, कब कमाएगा बेवकूफ आदमी। स्पोर्ट्स का समय इंटरेस्ट बहुत, मतलब ऐसा जैसा चीज में इंटरेस्ट बहुत है। और हाँ हम गाना शेयर कर रहे थे, दूसरा चैनल है उसमें गाना, मतलब 15 सेकंड का गाना शेयर कर देते हैं हर दिन, 7 तारीख से शुरू किए हैं, गाना शेयर कर देते हैं, मतलब जो जो गाना टाइप, जो जो टाइप का गाना सुनते हैं, कोई कोई गाना को तो शेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्या कि क्रिएट ऑप्शन ही नहीं आता है सब में जिसमें हम ज़्यादा सुनते हैं, और बाकी में कॉपीराइट क्लेम लगता है, तो फिर वही वोइंग वोइंग करता है, वही सब देखते हैं। और क्या बताया, अब मेरा बिस्तर, मेरा बिस्तर है ही दिख रहा है ना, यही मेरा बिस्तर है, इसी में हम सोते हैं, 3 महीने से इसी में सो रहे हैं, सुबह में सोते हैं हम, शाम मतलब रात में जागते हैं उल्लू जैसा। ठीक है तब, अब हो गया, अब जब कहीं जाएंगे तो ही वीडियो अपलोड होगा, कहे कि अब तो कहीं जाते ही नहीं है, जाएंगे तो ही ना वीडियो बनाएंगे, और जाएंगे तो ही अब वीडियो बनाएंगे तो अपलोड तो वही समय जन होगा, एडिट भी करना पड़ता है। ये वीडियो को तो हम कोढ़िया कोढ़ियापन के चलते हम जल्दी एडिट नहीं किए थे, नहीं तो अप्रैल में डाल देते हैं, तो अब जुलाई में डालना पड़ा, एडिट ही नहीं किया था। ठीक है तब। कागे बोलसी ना चुकसू।